सबको जय मसीह की रूपांतर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम साधु सुंदर सिंह के बारे में देखेंगे। साधु सुंदर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सत्य की खोज के लिए साधु सुंदर सिंह ने अपना जीवन बिताया और कैसे उन्हें सत्य से मुलाकात हुई और अपना जीवन उस सत्य के लिए यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए बिताया। साधु सुंदर सिंह भारत के स्वदेशी ईसाई धर्म के अग्रदूत थे। 1905 से पहले जिस वर्ष उनका बपतिस्मा हुआ था, वे एक सिख धर्म से जुड़े हुए थे। सच्चा ईश्वर कौन है, इसकी गहन खोज के दिनों में वह ईसाइयों को और ईसाई धर्म को नफरत करते थे, लेकिन यीशु मसीह को दर्शन में देखने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म का स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने खुद को एक भारतीय साधु के रूप में समर्पित किया। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके साधारण जीवन शैली के साथ किसी भी एक चर्च के साथ न रहते हुए सभी के लिए सेवा की। उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट में एक ज्योति झलक रही थी। उनकी बातें साधारण थी जो सभी को आसानी से समझ में आ जाती थी। उनकी यह जीवन शैली कई देशों में फैलने लगी। उनके लेख, उनका प्रचार सभी के दिलों को छू लेने वाला था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे साधु सुंदर सिंह का जन्म और उनके आरंभ के दिनों के बारे में। उत्तर भारत में पंजाब राज्य के रामपुर नामक जगह में सितंबर 3 को 1889 में सुंदर सिंह का जन्म हुआ था। वह सिख धर्म से जुड़े हुए थे। उनके पिताजी एक जमींदार थे। सुंदर की मां के भक्ति वैराग्य का प्रभाव उन पर बचपन से ही हावी रहा। यह उनकी माँ ही थी जिन्होंने उन्हें धार्मिक रीति से प्रभावित किया था। हालांकि वह सिख थे, फिर भी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि केवल सिख धर्म में ही सत्य निहित है। भगवद गीता सुंदर सिंह को अपनी माता द्वारा दी गई पहली पुस्तक थी। 7 वर्ष की उम्र तक पहुँचते उन्हें पूरी किताब याद हो गई थी। आगे उसके मन में सच्ची शांति के लिए प्यास जगी। कुछ वर्षों तक उसकी मां ने उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ से शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने उसे एक हिंदू पंडित को सौंप दिया। इसके बाद वह एक बूढ़े सिख साधु से जुड़ गए। उस साधु ने सुंदर को अपने अनुभव से सिखाया, परंतु सुंदर जिस मन की सच्ची शांति की खोज में था, वह उनके पास नहीं थी। इसलिए वह सुंदर को कैसे सच्ची शांति दे सकते थे। सुंदर सिंह एक साधु के साथ अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं। उन्होंने कहा, मैंने साधु को अपनी शिष्यता के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में चिंता मत करो, एक बार जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो ये सब कठिनाइयां दूर हो जाएगी। इस तरह एक बार फिर से सुंदर को धोखा मिला और उसके अंदर जो आत्मिक भूख थी उसे कहीं भी संतुष्ट नहीं कर सके। यह आत्मा की भूख तब तक दूर नहीं हुई जब तक उसने जीवित मसीह का स्वीकार नहीं कर लिया। उसने योगा की तरफ से भी अपना मन फिराया ताकि मन की सच्ची शांति उसे हमेशा के लिए मिल सके, क्योंकि योगा करते समय उस पल के लिए ही उसे मन में शांति मिलती थी। ब्लेज पास्कल का कहना है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के दिल में एक खाली स्थान रखा है और वह खाली स्थान दुनिया की कोई भी व्यक्ति या चीज़ों से नहीं भर सकते, यानी कि शांति नहीं दे सकती। वह खाली स्थान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु एक व्यक्ति के दिल में आने से ही वह स्थान भर सकता है। यह परमेश्वर का काम है। वैसे ही सुंदर के जीवन में कई कोशिश के बावजूद उसके जीवन में सच्ची शांति का अनुभव नहीं किया। आइए देखते हैं कि मन में अशांति के साथ मसीहत का तीव्रता से उसने कैसे विरोध किया। मसीह स्कूल में पढ़ते समय सुंदर कई प्रश्न पूछते थे। नीच धर्म माना जाने वाला इस मसीही धर्म की पुस्तक को हमें क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं? इस तरह के सवाल करके पूरी क्लास में रुकावट लाने वाला और डिस्टर्ब करने वाला छात्र था सुंदर सिंह।
जहाँ बाजार लगता था ऐसी जगह में सुसमाचार प्रचार के लिए जो लोग जाते थे उनको रोकने के लिए हमेशा लड़कों का एक ग्रुप वहाँ रुकता था, जिसका मुख्य अगुआ सुंदर सिंह ही रहता था। प्रचारकों के ऊपर पत्थर फेंकना, उन्हें प्रचार से रोकना उनका मुख्य उद्देश्य था। इस तरह वह मसीहत से विरोध करता था। दूसरी ओर हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ना उसने शुरू किया। लेकिन ऐसे समय में सुंदर के जीवन में एक दुख भरी घटना घटी। सुंदर जब 14 साल का था वह दुख भरी घटना घटी, उसकी माता की मृत्यु हुई। उसके लिए यह कितनी दुख भरी घटना थी यह दूसरों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता था। सुंदर हमेशा अपनी माँ को चाहता था, यह उसकी माँ ही थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। उसकी माँ की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद उसके भाई, जिसे वह सबसे अधिक प्यार करते थे, उसकी भी मृत्यु हो गई। जीवन के पहिए से उसके दो अनमोल लोग छीन गए, फिर भी सुंदर ने अपनी खोज जारी रखी। आइए आगे देखते हैं कि सुंदर के जीवन में कैसे मसीह का दर्शन हुआ। जब सुंदर मिशन स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्हें बाइबल पढ़ने की बाध्यता थी। सुंदर के बाइबल पढ़ना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाइबल शिक्षण गलत है। उसने बाइबल की एक कॉपी को दो भागों में फाड़कर अपने दोस्तों और पिता के सामने जला दी। कुछ दिनों के बाद सुंदर के जीवन में परिवर्तन आया। उसने सोचा कि बाइबल जलाना अच्छा नहीं है और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती गई और उस घटना के बाद 2 दिन तक आराम या चैन उसे नहीं मिला। तीसरे दिन यह सहन न कर पाने के कारण सुबह 3 बजे उठे, स्नान किया और प्रार्थना की कि यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं को मेरे सामने प्रकट करे, और यह भी प्रार्थना की कि ईश्वर उसे मुक्ति का मार्ग दिखाए और हृदय की बेचैनी को बदल दे। यदि यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई तो मैं सुबह होने से पहले रेलवे ट्रैक पर जाऊंगा और भाप से भरी रेलगाड़ी के सामने उस पर अपना सर रख दूंगा। सुंदर प्रार्थना कर रहे थे और सुबह 4:30 बजे तक इंतजार कर रहे थे। यह उम्मीद थी कि कृष्ण या बुद्ध या हिंदू धर्म का कोई अवतार दिखाई देगा, लेकिन उसके कमरे में एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को और भी अच्छे से देखने के लिए दरवाजा खोला कि रोशनी कहाँ से आ रही है, लेकिन हर जगह अंधेरा था। वह वापस आया और देखा तो रोशनी की चमक और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जमीन के ऊपर एक गोले के आकार में कुछ दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस रोशनी में कोई दिखाई देगा, लेकिन जिस मसीह को वह मरा हुआ समझते थे वह यीशु मसीह उसे दिखाई दिए। सुंदर ने कहा था कि मैं उस गौरवशाली और प्रेमपूर्ण चेहरे को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने उस दिन देखा था। इस तरह सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया। तो यहाँ हम इस वीडियो को अंत करेंगे और इसके आगे दर्शन के बाद साधु सुंदर सिंह का जीवन कैसा था और उसने क्या किया उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।